नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय भीम साथियों। अंबेडकर नामा के 28वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अब तक पांच भाग में गोलमेज सम्मेलन के बारे में बातचीत हो चुकी है और अब इससे आगे है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समाप्त हो चुका है और अब जो सिनेमा का भूगोल है वो बदलने वाला है। वो इंग्लैंड से अब भारत में शिफ्ट होगा, इंग्लैंड में भी रहेगा, भारत में भी रहेगा। तो खेल का मैदान अब बदलना है, कोई सहमति नहीं हुई है माइनॉरिटी क्वेश्चन को लेकर विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों के बीच में। सो एक तरह से कंफ्यूजन की स्थिति है। तो आगे बढ़ते हैं कहानी में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं कि लंदन में सम्मेलन के दौरान ही गांधी ने लॉर्ड लोथियन के साथ एक गुप्त समझौता किया था और यह समझौता बगैर किसी को बताए, अपने साथियों को कॉन्फिडेंस में लिए, किसी प्रतिनिधि को बताए बगैर चुपके से किया गया समझौता था। यह समझौता क्या था? इस समझौते के हिसाब से यदि माइनॉरिटी समस्या पे कोई समाधान नहीं आता है तो और आजादी विलंब होता है, आजादी मिलने में विलंब होता है, तो गांधी पहले किस्त के रूप में जो प्रांतीय स्वायत्तता है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये समझौता की शर्त थी। एक नंबर दो, ये दिलचस्प है कि स्वायत्त प्रदेशों तथा राज्य के प्रतिनिधियों को संविधान सभा के लिए निमंत्रण दिया जाएगा और वही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अधिकृत होंगे। ये दो इम्पॉर्टेंट बातें थी कि अगर आज़ादी मिलने में विलंब होगा तो हम रीजनल ऑटोनॉमी के लिए पहले किस्त में तैयार हैं और दूसरा राज्यों और प्रांतीय प्रदेशों के प्रतिनिधि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे और वही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। जैसे ही इस गुप्त समझौते का खुलासा हुआ भारतीय प्रतिनिधियों के बीच एकदम बवाल मच गया कि टॉप सीक्रेट ये समझौता था। बवाल मचा। प्रगतिशील हिंदू का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर सप्रू जयकर और हिंदू महासभा के नेता मुंजे मालवीय ये सब आतंकित हो गए, डर गए कि ये क्या हुआ। तो इसलिए ये सब चाहते थे कि गांधी इस पे क्लारिफिकेशन दें। तो सप्रू और जयकर गांधी से मिलने गए और दोनों के बीच गरम बहस, तीखी नोक झोक हुई, बहस भी हुई। गांधी ने भी बहुत ही आक्रामक जवाब दिया और कहा कि मेरी जो इच्छा है वही करेंगे और मैं आश्वस्त हूं कि मेरी जो राय है कांग्रेस भी उस राय को मानेगी। ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट थे गांधी कांग्रेस को लेकर, और ये बात सही भी है कि उस समय कांग्रेस में गांधी के खिलाफ किसी को बोलने की जरूरत हिम्मत नहीं थी। तो ये कहते थे कि मैंने अब पर्सनल बेसिस पर डिसीजन ले लिया, अब कांग्रेस तो हम जो डिसीजन लेंगे वही कांग्रेस मानेगी। लेकिन जैसे ही ये खबर लीक हुई अखबारों में, प्रेस में, तो गांधी इस खबर की लिपापोती करने में लग गए। सो इसी बीच गांधी के एक ब्राह्मण सहयोगी थे, उनका नाम था इंदु दयाल याग्निक। वो गांधी के सहयोगी थे और कांग्रेस के आदमी हैं। वो भारत से एक विशेष संवाददाता के रूप में वो लंदन गए इस खबर की पड़ताल के लिए। इस संबंध में उन्होंने बहुत व्यापक छानबीन किया और तमाम लोगों से इंटरव्यू लिया, बातचीत की और उस पे जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की वह 6 दिसंबर 1931 को वो संडे एडवोकेट मुंबई से में प्रकाशित हुआ। तो ये एक गुप्त समझौता की बात है और इसमें हंगामा मचा था, ये तय है। लेकिन अगर इस समझौता के दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे, हैरान ये अलग बात है कि सरकार इस समझौते से तैयार होती या नहीं होती ये दूसरी बात है, लेकिन यदि आप समझौते के दूसरे पहलू को देखेंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए राज्य और स्वतंत्र प्रदेशों के प्रतिनिधियों के आने की बात थी, तो इसका मतलब साफ था कि अंबेडकर वहां से चुनकर नहीं आएंगे, इसलिए अंबेडकर को किसी भी तरीके से इस संविधान जो फेडरल संविधान की जो प्रक्रिया है, जो बनने की प्रक्रिया है भावी संविधान की, उससे अंबेडकर को बाहर रखा जाए। ये शायद गांधी का हिडन एजेंडा था क्योंकि गांधी बहुत नाराज थे अंबेडकर से
और गांधी जितना पोलाइट दिखते थे और जितना मीठा बोलते थे, अंदर से उतना ही वो एग्रेसिव थे और एकदम डिक्टेटोरियल तरीके से व्यवहार करते थे। तो गुस्से में थे, तो इसलिए किसी तरीके से, राजनीति में ये सब चलता है, ये कोई नई बात नहीं है। अभी भी कभी भी हर समय राजनीति में वैचारिक द्वंद होते हैं और ये सब चलता रहता है, दांव पे चलता रहता है। सो गांधी किसी भी तरीके से अंबेडकर को इस प्रक्रिया से बाहर रखना चाहते थे। आगे अंबेडकर 15 जनवरी 1932 को लंदन से चले और 29 जनवरी को बॉम्बे पहुंचे। पहुंचते ही उन्होंने, जो यहाँ फ्रेंचाइज कमिटी बनी थी लॉर्ड लोथियन के अध्यक्षता में, उसने जो प्रश्नावली तैयार किया था सिटीजनशिप के सवाल पे और तमाम इश्यूज पे, उसका उन्होंने, अंबेडकर ने आते आते पहले मॉडल आंसर तैयार किया और उसका आंसर तैयार करके, और जो व्यक्तिगत रूप से लोगों को भी, व्यक्तियों को, और उस समय बहुत मशरूम की तरह डिप्रेस क्लासेस के संगठन खड़े हो रहे थे, आज भी हैं, लाखों संगठन हैं। यह बात अलग है कि उस संगठन आपस में ही संगठित नहीं होते, तो संगठनों को उन्होंने भेजा और सिर्फ एक जगह ब्लैंक उन्होंने छोड़ा जहां पे व्यक्ति का या संगठन का नाम लिखा जाना था, बाकी सारा आंसर उन्होंने खुद तैयार किया था। फिर इसके बाद उन्होंने सब जगह भेज दिया। सोचिए कितना काम करते थे, कि बारीकी, इतना ट्रैवलिंग करना, लिखना, पढ़ना, सब कुछ करना है, वन वन मैन आर्मी। उनके पास कोई उस तरह का थिंक टैंक भी नहीं था जो उनके बिहाफ पे सारा काम करे, तो वन मैन आर्मी की तरह अम्बेडकर उस समय काम कर रहे थे। फिर जो फ्रेंचाइज कमिटी की जो प्रोसीडिंग थी, मीटिंग थी, उसमें भाग लेने अम्बेडकर दिल्ली के लिए रवाना हुए, और दिल्ली, फिर लखनऊ, पटना, बंगाल, कई प्रांतों का उन्होंने दौरा किया। और यकीन मानिए कि जहां जहां भी अंबेडकर जाते थे, उनका जबरदस्त भव्य स्वागत होता था। इसी बीच एक और कैरेक्टर है, उनकी चर्चा कर लेना जरूरी है, वो हैं एमसी राजा। विस्तार से इनके बारे में और अंबेडकर के रिश्तों पे मैंने एक एपिसोड तैयार किया था, अगर विस्तार से जानना है तो आप अंबेडकर नामा 4 नंबर देखें, उसमें राजा और अंबेडकर के संबंधों पे विस्तार से मैंने बात की है। इसलिए यहां और इसके आगे उनके बारे में विस्तार से बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं। एमसी राजा मद्रास प्रेसिडेंसी के डिप्रेस क्लास के लीडर थे, अंबेडकर से उम्र में 10 साल बड़े थे। 1922 में वो मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट हुए थे और 1927 में वो सेंट्रल काउंसिल में नॉमिनेटेड थे, लेकिन उनको गोलमेज सम्मेलन में नहीं बुलाया गया था। अंबेडकर डिप्रेस क्लास को प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसके साथ साथ राजा जो है प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन के। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि गुड़गांव में इन्होंने मीटिंग की थी और अंबेडकर को सेपरेट इलेक्टोरेट के मांग को उन्होंने समर्थन दिया था और गांधी की तीव्र आलोचना की थी। लेकिन इस समय तक आते आते, और इनके संबंध, राजा के संबंध मुंजे के साथ भी थे, हिंदू महासभा के नेता के साथ भी थे, लेकिन इस समय तक आते आते राजा ने अपना पाला बदल लिया और अंबेडकर के वो विरोधी हो गए। और वो अब कह रहे थे कि हिंदू धर्म खतरे में नहीं पड़ना चाहिए और हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं चाहिए, हम ज्वाइंट में ही रहेंगे, और तमाम ये बातें मैं अंबेडकर नामा 4 में कह चुका हूं। तो इस सिलसिले में जब अंबेडकर यात्रा पे थे तो 13 फरवरी 1932 को उन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस के जनरल सेक्रेटरी जीए गवई उस समय बॉम्बे प्रोविंस के एमएलसी भी थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी थे, उनको एक लंबा सा खत लिखा, चिट्ठी लिखा, बहुत आक्रोश में लिखा, और यह भी लिखा कि अगर तुमने इस मुद्दे से डिविएट किया तो हमारे निजी रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। सोचिए, अंबेडकर इतना मेहनत करके कारवा कहीं लाए थे और अपने ही लोग बीच में डंडी मार रहे थे, तो बहुत एग्रेसिव चिट्ठी है, किताब में आप पढ़ सकते हैं, जो वॉल्यूम 17 है, पार्ट 1 है, उसमें आप उसको विस्तार से देख सकते हो। इसकी चर्चा हमने अम्बेडकर नामा 4 में भी की है। तो फिर वो लंबा पत्र है, पटना से लिखा गया है। फिर फ्रेंचाइज कमेटी की बैठक वायसराय लॉज दिल्ली में शुरू हुई। अंबेडकर इसमें डिप्रेस क्लासेस का प्रतिनिधित्व करते हुए शामिल हुए और इस हैसियत से उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बातें, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा उसमें रखा, जैसे लोगों, डिप्रेस क्लास के लोगों का बहिष्कार,
बहिष्कार करने के लिए उकसाने, मौलिक अधिकार का उपयोग करने से रोकने इत्यादि को इंडियन पेनल कोड में या संविधान में दंडनीय अपराध के रूप में डाला जाए। तो ये सोचिए, ये उसी समय 30 के दशक के शुरुआती दिनों में ही वो ये सारे चीज भाप लिए थे कि जो छुआछूत है, जो डिप्रेस क्लास को दबाना है, सामाजिक बहिष्कार करना है, आर्थिक बहिष्कार करना है, इन सबको वो चाहते थे कि वो एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में संविधान में शामिल हो। और वाकई लुथियन कमेटी ने उनके इस मांग को स्वीकार कर लिया। फिर उसमें और हिंदू नेता भी थे फ्रेंचाइज कमेटी में, और उनका इससे पहले एक बात और यहां कहना बहुत जरूरी है कि प्रतिनिधित्व के सवाल पर राजा ने अंबेडकर का विरोध तो किया ही, लेकिन हिंदू सभा के नेता डॉक्टर मुंजे से उन्होंने एक आंतरिक समझौता किया जिसको राजा मुंजे नाम के, राजा मुंजे पैक्ट के नाम से जाना जाता है। आप गूगल कीजिए, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो जब राजा और मुंजे का पैक्ट हुआ, जब वो आंतरिक पैक्ट किया और यह खबर जब फैली चारों तरफ, तो देश के विभिन्न प्रांत के दलित नेताओं ने, डिप्रेस क्लास के नेताओं ने राजा का बहिष्कार किया और अंबेडकर का समर्थन किया। ये पेज नंबर 130 पे देखिएगा, ये सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। इसी बीच अगर आप ध्यान देंगे तो अप्रैल 1932 में जो नासिक सत्याग्रह है, कालाराम टेम्पल आंदोलन, अपने तीसरे चरण में पहुंचा और ये ज्यादा आंदोलन तीव्र गति से आगे बढ़ा, तेज हो रहा था आंदोलन। डिप्रेस क्लासेस के नेता भाऊराव गायकवाड़ और रण खरणवे गिरफ्तार कर लिए गए। तो ये साइमल्टेनियस चल रहा है, वहां गिरफ्तारी भी हो रही है और अंबेडकर यहां फ्रेंचाइज कमेटी के सामने अपनी बात भी रख रहे हैं। इधर फ्रेंचाइज कमेटी के जो हिंदू नेता थे जैसे चिंतामणि बरवाले और तांबे, ये डिप्रेस क्लास के पृथक निर्वाचन क्षेत्र का पुरजोर विरोध कर रहे थे, खूब विरोध इन्होंने किया। और ये विरोध इतना हुआ कि अंबेडकर और इनके बीच एक युद्ध की स्थिति जो है, तनाव और युद्ध की स्थिति बन गई। यही नहीं, दोनों के बीच बातचीत भी बंद हो गया। सोचिए कितना मेंटल प्रेशर रहा होगा, बातचीत भी बंद हो गया। सो स्थिति बहुत टेंस्ड है, बहुत तनावपूर्ण स्थिति है। आप विजुअलाइज कीजिए, अंबेडकर अकेले अपने कुछ सहयोगियों के साथ ये कारवा आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ पूरी कांग्रेस है, हिंदू महासभा है, तमाम है, सबके सामने अकेले काम करना और तर्क रखना, आर्गुमेंट करना कितना दुष्कर कार्य रहा होगा। इसलिए पूरा एक जो स्थिति है वो बहुत ही तनावपूर्ण है। और इस तनावपूर्ण माहौल में अंबेडकर ने अपने सचिव को, शिव तारकर को, उन्होंने पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि एक ही समय में मैं दो मुद्दों को नहीं संभाल सकता हूं। मैं कई बार कहता हूं, मैं तो बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ के अब सीखा, द वर्ल्ड विल बी मोनोकॉजल। अगर आपको सक्सेस होना है तो एक समय में एक ही एजेंडा उठाइए और उसी को फोकस करके लगे रहिए, अन्यथा 10 एजेंडा उठाएंगे तो हर समय असफल ही होंगे। वो लिखते हैं कि मैं एक समय में दो मुद्दों को नहीं संभाल सकता, मंदिर प्रवेश से ज्यादा महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार का मामला है, राजनीतिक अधिकार का मसला है। इसलिए जिस काम में मैं दिल और आत्मा से लगा हुआ हूं, पूरी तन्मयता से, मतलब फुल टाइम 24/7 शरीर और तमाम सब दिमाग सब से, उससे विचलित होना खतरनाक और मूर्खता भरा कार्य होगा। सो लेट मी फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर इशू कि हम पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे, तुम लोग उधर कालाराम टेम्पल संभालो। और जब कालाराम टेम्पल पे एपिसोड चलाएंगे तो बहुत सारी दिलचस्प कहानियां हैं, वो आपको मैं उसमें अलग से बताऊंगा। सो इसी फिर शिमला से लिखे एक पत्र में अंबेडकर ने लिखा कि कॉमनल अवार्ड की घोषणा से पहले उनका ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मिलना जरूरी है, इसलिए वो लंदन जाना चाहते हैं। इसलिए अपने विश्वास पात्र सहयोगियों से उन्होंने कहा कि बगैर किसी को बताए हुए गुप्त रखा जाए और लंदन यात्रा के लिए पैसों का इंतजाम किया जाए। सोचिए उनको पैसा भी इंतजाम करना पड़ता था और तमाम, मतलब जहां आप खड़े हैं, जहां हम खड़े हैं, उसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर कितना लड़े हैं, ये सोचिए। पैसा का इंतजाम करने से लेके लिखने पढ़ने से लेके तमाम ये
कार्रवाई उनको खुद ही करनी पड़ती थी। ठीक है, फिर उन्होंने इसी बीच उन्होंने लंदन में रह रहे थे आगा खान, उनको सलाह मशवरा के लिए एक पत्र लिखा और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश की कि जो कम्युनल अवार्ड होने वाला है उसकी संभावित तिथि क्या होगी। इसी सप्ताह एक अन्य पत्र में जो फ्रेंचाइज कमेटी के हिंदू सदस्य थे उनके व्यवहार और माइंडसेट के प्रति घृणा व्यक्त करते हुए अंबेडकर ने लिखा कि इनके स्वार्थी और विवेकहीन विचार के कारण ही मैं हिंदू समाज में नहीं रहना चाहता, उसमें उससे दूर रहने की कोशिश करता हूं और यही करेंगे। ये लिख रहे हैं उस समय, सोचिए। तो इस समय तक अंबेडकर बहुत ही मानसिक और शारीरिक दबाव में काम कर रहे थे, लगातार ट्रैवलिंग, आंसर देना, लड़ना, तमाम सब कुछ चल रहा था। साथ साथ इस समय उनको बीमारी भी हुई, वो डायरिया से ग्रसित पीड़ित हो गए। सो इस बीच जो फेडरल फ्रेंचाइज कमिटी है उसका काम 1 मई तक चला, 1 मई को काम समाप्त हुआ। लॉर्ड लिथियन कुछ बिंदुओं पे अंबेडकर से सलाह मशवरा करना चाहते थे लेकिन शायद कुछ दिन अंबेडकर ने इसको टाला। सो फ्रेंचाइज कमिटी ने एक विस्तृत रिपोर्ट अपना तैयार किया जिसमें जो मताधिकार है, जो वोटिंग राइट है उसका रिविजन, प्रांतीय और संघीय मंडलों का कार्य, जो कार्यपालिका विधेयक कैसे बंटवारा हो का डिटेल रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया। अंबेडकर जो फ्रेंचाइज कमेटी थी उसके जो हिंदू सदस्य थे उनके विचारों से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक अलग से नोट सबमिट किया, एक अलग से उन्होंने अपना ज्ञापन लुथियन कमेटी को सौंपा। इस कमेटी में जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट था, वो था कि डिप्रेस क्लासेस को डिफाइन करना कि डिप्रेस क्लास में कौन लोग आएंगे, उसको परिभाषित करना। 1916 में जो साउथ बोरो कमेटी बनी थी उसमें डिप्रेस क्लास में उन्होंने एबोरिजिनल ट्राइब्स, हिली ट्राइब्स, क्रिमिनल ट्राइब्स और अन्य ट्राइब्स को भी रखा था, लेकिन जो लॉर्ड लुथियन की कमेटी थी उसमें उन्होंने जो डिप्रेस क्लास है उसमें सिर्फ और सिर्फ अनटचेबल्स को रखा था कि जो अनटचेबल हैं वही इसमें रहेंगे। सो ये एक इंपॉर्टेंट डिपार्चर है, यहां पे देखा जाएगा इसको डिपार्चर के रूप में। सो कॉमनल अवार्ड की घोषणा से पहले ब्रिटिश पीएम और कैबिनेट मंत्रियों से मिलने 26 मई 1932 को अंबेडकर लंदन रवाना हुए। इस यात्रा को गुप्त रखा गया था, फिर भी बॉम्बे क्रॉनिकल के जो खोजी पत्रकार लोग हैं आज भी खोजते रहते हैं, उन्होंने पता लगाया और खबर बाहर निकल गई। सो ये बेसिकली सवाल ये है कि उस समय अंबेडकर क्यों जाना चाहते थे लंदन, क्यों प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, क्यों कैबिनेट मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, क्यों बड़े अधिकारियों से मिलना चाहते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि चूंकि ये फाइनल स्टेज में है कॉमनल अवार्ड जो होना है, इसलिए उनका फिजिकल प्रेजेंस वहां रहेगा तो वो उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो जब लोगों से मिलेंगे तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यह सोचकर वो लंदन गए थे। सो 7 जून को लंदन पहुंचे, ब्रिटिश अधिकारियों मंत्रियों से मुलाकात की, पूरी निष्ठा और तन्मयता से अपनी बातों को रखा, अपने मांगों की वकालत की और फिर याद रखिएगा सप्लीमेंट्री मेमोरेंडम के बाद फिर उन्होंने 22 पेज का ज्ञापन सौंपा, 22 पेज का फिर ज्ञापन सौंपा। 14 जून तक वो हर संभव प्रयास किया और उसके बाद वो लौटना चाहते थे वापस। और एक बात और उनके दिमाग में चल रही थी उस समय जो मुझे लगता है कि उनको ये लग रहा था कि जो अवसर आया है, जो डिप्रेस क्लासेस को अधिकार दिलाने का अवसर आया है, ये अवसर युवाओं में आता है, कई शताब्दियां बीतती हैं तब आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है, इसीलिए अंबेडकर जी जान से एकदम लगे हुए थे कि इस अवसर को किसी भी हाल में खोना नहीं है, इसको जाने नहीं देना है। तो 14 जून तक वो लगातार लगे रहे, उसके बाद वो वापस लौटना चाहते थे लेकिन उनके कुछ साथियों अनुयायियों ने कहा कि नहीं कुछ दिन तक और आप लंदन में रहिए। तो इस बीच वो उन्होंने जर्मनी और वियना इत्यादि का भी दौरा किया और लंदन में वो रुके, क्योंकि इसके पीछे मंशा ये थी कि अगर आप आसपास रहेंगे तो कोई ज़रूरत हो तो आप तुरंत आप लंदन पहुंच सकते हैं, ये मंशा थी, कोई बात करनी हो कुछ करनी हो, भारत आके लौटना संभव नहीं है।
पैसों की कमी हो गई, तबीयत भी खराब थी, फिर उन्होंने अपने सचिव को कहा कि पैसे का इंतजाम किया जाए। लेकिन एक दिलचस्प सूचना यहाँ देता हूँ कि उस समय जो हिंदू नेता थे, चाहे कांग्रेस में हो चाहे हिंदू, बहुत एग्रेसिव थे और देश का माहौल बिगड़ रहा था और अंबेडकर को लग रहा था कि कहीं हिंसा न हो और कहीं मारपीट न हो और इस तरह की उपद्रव न हो। इसलिए उन्होंने जो शिव तारकर को चिट्ठी लिखा तो सबसे ज़्यादा सुरक्षा करने के लिए किस चीज़ की सुरक्षा की बात की उन्होंने, आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरी किताबें की सुरक्षा करो, सारा उसको बंद करके रखो, लॉकर में रखो, ताले में लगा के रखो। तो किताब कितना जरूरी है समझिए, कि जहां पे दंगा की स्थिति हो रही हो वहां भी वो कह रहे हैं कि हमारी किताबों को सुरक्षित रखो, क्योंकि सत्ता का रास्ता ज्ञान से होकर जाता है और ज्ञान हर समय किताबों से ही आती है। 17 अगस्त को वापस लौटे अंबेडकर और उसी दिन कॉमनल अवार्ड की घोषणा हुई। वो कॉमनल अवार्ड क्या था, उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे पूना पैक्ट हुआ, गांधी का आमरण अनशन और तमाम, ये अगले एपिसोड में ये बात करेंगे साथियों। लेकिन एक दिलचस्प बात यहाँ बताता हूँ कि जब अंबेडकर अमेरिका पढ़ने जा रहे थे तो कौन अंबेडकर जा रहे हैं आ रहे हैं किसी ने उनको नोटिस नहीं किया, लेकिन 1930 और 32 तक आते आते उनका आगमन और प्रस्थान वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बनता था और लोगों से लेकर राजनीतिक दलों से लेकर और मीडिया तक की नज़र अंबेडकर पे होती थी कि अंबेडकर कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं। मतलब कि 1932 मतलब 41 वर्ष की उम्र में डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कर लिया था। इसलिए कौन एमपी बनता है, कौन मंत्री बनता है, ये ज़रूरी नहीं है। महान कौन बनता है, महान बनने की तैयारी बहुत लंबी होती है और मेहनत बहुत ज़्यादा होता है। बाकी की कहानी अगले एपिसोड में करेंगे साथियों, और कमनल अवार्ड और गांधी का ये आमरण अनशन और पूना पैक, एपिसोड कैसा लगा और इसकी समीक्षा लिखते रहिएगा। समय का मुझे थोड़ा अभाव होता है क्योंकि मुझे लगातार पढ़ना पड़ता है, आपके कमेंट्स कभी कभी पढ़ भी लेता हूँ, कभी समय नहीं मिलता है, नहीं पढ़ पाता हूँ, तो अन्यथा नहीं लेंगे, लगातार सुनेंगे, लोगों को सुनाएंगे और व्हाट्सएप सोशल मीडिया के तमाम साधनों के द्वारा आप इसको, मेरी कमाई यही है कि मेरी बात जो मैं बाबा साहब को पढ़ता हूँ, जो समझता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, यही मेरी कमाई है। मैं रहूँ ना रहूँ लेकिन कम से कम ये आवाज़ कि बाबा साहब, मैं तो कई बार नोस्टाल्जिक महसूस करता हूँ, मैं उस युग में चला जाता हूँ, मुझे लगता है मैं भी वहाँ पे हूँ, पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है और पूरा सीन मेरे सामने क्रिएट होने लगता है, कैसा हुआ होगा। तो मेरी यही मेरा लाभ होगा, मेरा बोनस होगा कि जो बाबा साहब ने जो लिखा है, जो बोला है, मैं अपने शब्दों में आपके बीच ला रहा हूँ, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सुनवाइए। शुक्रिया साथियों, जय भीम, फिर मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। थैंक यू, शुक्रिया, जय भीम।